हेलो गाइस, तो आज मैं चलाऊंगी गिम्बल। अरे लेकिन इसको चलाना कैसे है? तो कहीं भी जा रहे हैं पीछे, कैसे चलाना ही है? और ये मोड्स क्या क्या है? इधर चला चला, नहीं चल रहा ना। नहीं चल रहा, क्यों, क्या हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है? भी जा रहे, देखना। अरे वाह, देखो देखो। तो अभी आपने जो ट्रेलर देखा छोटा सा, क्योंकि वो नया नया जब गिम्बल लेते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उनके अंदर मोड्स कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा मोड कब यूज़ करना है, कौन सा शॉट कब लेना है। और आज की इस वीडियो में जो यशु ने एक्टिंग की है, वैसे उसको पता है एक्टिंग करी थी, एक्टिंग है ना तो आज नहीं बोला तो मेरे को एक्टिंग करना। ओ ये काटो काटो तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने कौन से मोड को यूज करके परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट निकालना है अपने मोबाइल का गिम्बल यूज करके। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे मोड होते हैं गिम्बल के अंदर वो एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सा मोड कब यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कॉपी पेस्ट करके, जो मुझे पता है जो मैंने किया है वही आपको बता रहा हूँ। अब जो मेरा गिम्बल है वो है HOMI Study X, तो जौन सा भी आपका गिम्बल होगा उसकी ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है क्योंकि ऐप के अंदर ही सारे सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं। okay. पता नहीं बोला था ना बोलने के लिए, ओके अच्छा मेरे को लगा शायद पता है। तो अब जैसा कि जो मेरा HOMI Study X गिम्बल है, इसके जो मोड्स हैं मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए मैं इसकी ऐप के अंदर जा रहा हूँ। तो ऐप के अंदर हम चलते हैं, तो यशु मैम को थोड़ा यहाँ बुलाते हैं। ओके जी, सो अब यहाँ पे मैं ट्राईपॉड अपना यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा, सही है वो कह रही सही आ रही फोटो, हाँ सही आ रही वीडियो। तो यहाँ पे अब जैसा कि मैं HOMI Study X के मोबाइल गिम्बल की ऐप के अंदर आ चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाके सबसे पहले आपको आपके गिम्बल ऐप के अंदर मिल जाएगा ये मोड्स वाला सेक्शन, ठीक है, वर्किंग मोड करके या मोड्स करके आपके पास सेक्शन होगा। तो सबसे पहले मेरे पास मोड आता है पैन टिल्ट फॉलो, ठीक है, इसको मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे रोलिंग शॉट लेना होता है, मतलब कि रोल करना होता है, या मुझे फॉलो करना होता है, या मतलब कि जैसे कि मुझे अपना गिम्बल, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक कि कुछ फास्ट करना है, ऐसे करना है, इधर करना है, मतलब कि अगर मैं रोल कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से रोल करूँगा, ठीक है। अब जैसा कि यशु सामने है तो मैं रोल कुछ इस तरीके से करूँगा और मेरा गिम्बल भी कुछ इस तरीके से रोल होगा। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यूज़ करूँगा मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, अगर मुझे रोलिंग शॉट लेना है, रोल करना है, या फॉलो शॉट लेना पीछे से, कि जैसे ही मैं अपना डायरेक्शन चेंज करूँ, ठीक है, वीडियो का साथ साथ में वो मतलब कि फॉलो करे। तो चलिए इस मोड पे मैं आपको शॉट लेके दिखाता हूँ। तो पैन टिल्ट फॉलो हमने शॉट निकाला अभी, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब मैं बात करूंगा पैन फॉलो की, मतलब कि आप कुछ भी ऐसे करके ऊपर करके, अगर आपने कुछ इस डायरेक्शन से मूवमेंट करना है, थोड़ा सा जाना आगे, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप इन मूव मतलब कि इन मोड से ऐसे ही सीन्स ले सकते हो। तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने मूव्स को हैंडल कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से चूज़ करूँगा पैन फॉलो, ठीक है, और कुछ फॉलो शॉट लेके मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट शॉट के बारे में, मतलब कि नेक्स्ट मोड के बारे में, ऑल लॉक मींस कि ऑल एक्सिस लॉक। कि ऑल एक्सिस लॉक पे क्या होता है कि हमारा जो कैमरा होता है ना, जो स्मार्टफोन होता है, वो हमारा लॉक हो जाता है, मींस कि अगर हमने लो टू हाई या हाई टू लो कुछ ऐसे एंगल्स क्रिएट करने हैं सिनेमैटिक स्टाइल में, जैसे मैं करता हूँ कि इसको रोटेट करके लो टू हाई, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर हम दूसरा शॉट लेके मतलब कि दूसरा मोड सेलेक्ट करके उसको लेंगे पैन फॉलो को या कोई भी और पैन टिल्ट वगैरह को, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्मार्टफोन होगा ना वो यहाँ वहाँ होने लग जाएगा, ये नहीं ना हो रहा अभी। हाँ। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे,
अगर मैं ऑल एक्सिस लॉक नहीं मतलब कि चूज़ करता, उसकी जगह मैं कोई और मोड चूज़ करता हूँ, मतलब कि मान लीजिए आपकी मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ पैन टिल्ट फॉलो को, और अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो अब जैसा कि अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर आऊँगा तो ये भी साथ साथ में हिलने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट होगा वो ख़राब हो जाएगा सारा का सारा। तो जब भी आपने लो टू हाई या कुछ क्रिएटिव मूवमेंट क्रिएट करना है बिल्कुल ड्रामेटिक, वहाँ पे आपने यूज़ करना है ऑल एक्सिस लॉक को। सो गाइस अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ ऑल एक्सिस लॉक को। इसमें हम कौन सा शॉट लेंगे? मुझे पूछ रही है, उनको पूछ रही है, दोनों को पूछ रही है भाई। इसमें हम ऑल एक्सिस लॉक को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कुछ तेरे शॉट्स निकालूंगा, मतलब कि लो टू हाई जैसे कहते हैं ना, मतलब कि फोरग्राउंड से अप की साइड आएगा हमारा स्मार्टफोन गिम्बल। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन सा शॉट है, उसी अकॉर्डिंग ही आपको मोड सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉट्स लेके दिखाता हूँ ऑल एक्सिस लॉक के ऊपर। तो अभी हमने कंप्लीट किया है अपना ऑल एक्सिस लॉक, और अब हम लेंगे पीओवी मोड। पीओवी क्या? पीओवी मोड। अच्छा मेरे को सुना पीओवी मॉल, मैं कह ये कौन सा मोड आ गया पीओवी मोड। क्योंकि ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीजे की बैटरी थोड़ी डाउन हो चुकी है, और मैंने पहले ही बोला था भाई मेरे को सच में नींद आ रही थी, बट मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए थे मुझे कि यार गिम्बल मोड्स के ऊपर बताओ। अब आप देख रहे हो कि मैं कौन कौन से मोड्स को यूज करके ये सारे मूवमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है यार, मेरे को आधा काट दिया तूने। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना कौन सा मोड आपको सही बैठ रहा है, ठीक है। अब ऐसे नहीं जौन सा मैंने मोड बता दिया आपने वैसे ही उसको फिक्स कर लेना है, वैसे आप शूट कर ही जा रहे हो। एक मोड के साथ भी आप बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हो, आपका कैमरा एंगल आपको पता होना चाहिए। तो पीओवी मोड में हम जाएंगे, सबसे पहले इसको करते हैं सेट, या ऑल एक्सिस लॉक पे है। मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे इसको दबाता हूँ इस बटन को, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर किस किस के पास होएम का गिम्बल ICDX। जिसके पास होएम ICDX गिम्बल है तो वो डायरेक्टली इस बटन को दबाएगा, ये देख इस बटन को, ठीक है, और चार बार टैप करेगा इस बटन के ऊपर 1 2 3 4, और ये डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा पीओवी मोड के ऊपर। अगर मुझे पीओवी वीडियोग्राफी करनी है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस मोड के ऊपर डाल के अपने मूवमेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। इसको कुछ बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो, अगर आपने अपना चेहरा नहीं दिखाना है, आपने जस्ट हाथ वगैरह दिखाने, तो आपका गिम्बल आपको सपोर्ट करेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल शॉट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए कुछ मैं ट्राई करता हूँ पहली बार पीओवी सिनेमैटिक शॉट्स लेने की। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो आज की, किस तरीके से आपने मोड्स को यूज़ करना है प्रॉपरली अपना स्मार्टफोन गिम्बल यूज़ करके। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।